श्रेष्ठतम यदि कोई शिवलिंग है तो पारदेश्वर शिवलिंग है, उसका तो वर्णन विधान संसार में संभव नहीं है, श्रेष्ठतम है ही नहीं, विधाता उसका वर्णन कर ही नहीं सकती, विधाता अपने आप में बहुत न्यून है, कितना वर्णन करेगी उसका, क्योंकि वो अपने आप में संपूर्ण रस को, पाद को रस कहा गया, पृथ्वी के रस को, ब्रह्मांड के रस को, मनुष्य के रस से निर्मित अपने आप में पारद है, वह पारा है, लिक्विड है, ठोस भी है, वायवी भी है, तीनों युक्तियां उसमें है। ऐसा पारदर्शी शिवलिंग पर जब हम उस द्वादश ज्योतिर्लिंग की दीक्षाओं के युक्त उस साधक को बिठाते हैं, शिष्य को बिठाते हैं और पूरा पूजन, और फिर इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि चारों वेदों से पूजन कोई करा सकता है। आपको फिर 20 साल आगे की जिंदगी में 50 साल मिलेंगे, एक बार संभव ट्राई करके देख लेना कि कोई एक ब्राह्मण, कोई एक पंडित, कोई एक योगी या कोई एक सन्यासी चारों वेदों से पूर्ण रुद्राभिषेक आपको पाठ करवा दे, पूजन करवा दे, संभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारा एक तकदीर वास्तव में सोने की कलम से लिखी हुई है, इसलिए कहा है, और इसीलिए कहा कल का दिन तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। जब प्रत्येक के पास शिवलिंग हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रत्येक के पास उस शिवलिंग का, उस शिवलिंग का जो विधान है वही शिवलिंग को आपके हाथ में स्थापित हो, तब प्रत्येक घर में शिवलिंग स्थापित होगा। यदि आप दर्शन करके चले जाएंगे वो अपना बहुत मान बात नहीं है, उसका पूजन कर लेंगे वो भी बात मान नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के पास भी एक अद्वितीय चीज रख के जाओगे उस शिवलिंग पर जहां चारों वेदों से रुद्राभिषेक हुआ है, जहां पर बीलपत्र चढ़ाए गए हैं, जहां गुरु की साक्षी में पूर्ण वेदों को सामने साकार किया गया है, ऐसा शिवलिंग यदि तुम्हारे पास प्राप्त हो तो ब्रह्मांड का द्रव्य धन और ऐश्वर्य तुच्छ है, इस बात को एहसास करेंगे जब आपके पास पार शिवलिंग होगा, आप एहसास करेंगे कि उसके माध्यम से जो विकीर्णता बनती है, जो रोशनी बनती है, वो अपने आप में उस पशुत्व से उस देवत्व की ओर अग्रसर करती है। पशुपतिनाथम और देवनाथम और भूतनाथम, हमारे जीवन में जो भूत है वो समाप्त हो, भूत का मतलब कोई प्रेत और राक्षस गंदा व्यवहार नहीं, जो हमारा भूत है, और हमारा भूत तो बहुत गंदा है, छल झूठ कपट असत्य व्यभिचार के अलावा कुछ है ही नहीं, इसलिए भूत को समाप्त करें, यह भूतनाथ का मतलब है। उस देवत्व की ओर, हम देवनाथ हैं भगवान शिव, जहां देवता हमारे शरीर में वास करें, उस भगवान शिव को हम चारों वेदों से शरीर में स्थापित करें, और आप स्वयं यहां बैठ करके प्रत्येक अपने अपने शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाएं, पूजन करें, उस पर भी वही चीज अंकित हो जो उस बड़े शिवलिंग पर अंकित है, पूर्ण से सूक्त मंत्रों के माध्यम से, पूर्ण चैतन्य मंत्रों के माध्यम से, पूर्ण ब्रह्मांड सूक्त मंत्रों के माध्यम से, और पूर्ण लक्ष्मी सूक्त मंत्रों के माध्यम से, पूर्ण श्रीयंत्र उसके ऊपर जो आपने देखा है, ऐसा आपका शिवलिंग, और फिर बोले छोटा है चाहे 5 मन का है तो 25 मन का है, यदि घर में स्थापित हो तो उसके मुकाबले की कोई वस्तु नहीं है। इसलिए कल प्रातः आप स्वयं सबसे पहले तो मां मृत्युंजय विधान करें, दीक्षा प्राप्त करके, और कल की दीक्षा अपने आप में द्वादश ज्योतिर्लिंग दीक्षा, जो रावण ने उस 109 बार में, 9वीं बार में अपने गुरु से जो दीक्षा प्राप्त की थी, जिसके माध्यम से वह विश्वामित्र वशिष्ठ और अत्रि और कणाद और पुलस्त्य से भी श्रेष्ठतम योगी बना, वह तो एक जीवन का विधान है कि हमारे मन में उनके प्रति, हमारा तो उसका ज्ञान चाहिए, उसकी चैतन्यता चाहिए। जब भगवान शिव इस बात को स्वीकार करते हैं कि पारदेश्वर मेरे जीवन का रस है, आधार है, इसे उस दीक्षा को प्राप्त करेंगे जो पूरी जिंदगी का श्रेष्ठतम दीक्षा विधान होगा। और यदि मैं कह रहा हूं कि उसके मुकाबले दीक्षा न दी है न दूंगा, तो आप गारंटी साहब बने तो अपने आप अद्वितीय दीक्षा होगी। और दीक्षा के बाद आप स्वयं अपने सामने अपना शिवलिंग स्थापन करके और महामृत्युंजय विधान करें, आप स्वयं करें, आप स्वयं पंडित बने, आप स्वयं वशिष्ठ बने, विश्वामित्र बने, अत्रि कणाद पुलस्त्य बने, उन पंडितों के चक्र में नहीं पड़े, पहले आप स्वयं बने। और मैंने पत्रिका में महामृत्युंजय विधान दिया है, जब मृत्यु से बचेंगे तभी तो पूरे जीवन को प्राप्त करेंगे, मृत्युंजय। और मैंने जानबूझ के फरवरी की पत्रिका में मृत्युंजय विधान दिया था 20 पेज पर, और सीधा सरल है। यदि आपके मन में यह है कि मैं संस्कृत गलत बोलूंगा तो क्या होगा, और यदि पोता मेरा यह सोचने लग जाए कि मैं थोड़ा तुतला तो बोलूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ज्यादा प्यार आएगा,
उसको उठा के गोदी में ले लूंगा। यदि आप तुतला की भाषा में बोले तो भगवान शिव को मालूम है कि आप उनके पुत्र हैं, आप उनके पुत्र हैं। जो कुछ जिस ढंग से बोल सके आप बोले, घबराइए मत, संस्कृत बोलने में कोई हवा नहीं है, गलत बोलेंगे। मेरा पोता भी गलत बोल लेता है, उसमें कहीं दुख तो होता नहीं। आप जानबूझ के गाली नहीं दे रहे, आप स्वयं मृत्युंजय विधान करेंगे। मैं साक्षीभूत रहूंगा, मैं बैठा रहूंगा अपने शिवलिंग पर। उस मृत्युंजय विधान के माध्यम से आप मृत्यु पर विजय प्राप्त करें। और सुबह मैंने फिर आपको बताया था कि एक क्षण ऐसा आता है जब आपके साथ गुरु होता है, गुरु होने के साथ साथ आपके हृदय में चोट पहुंचती है कि आप मुझे ये पकड़ बदल देनी। मेरे घर में पत्नी हो, पुत्र हो, नौकरी हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, सब कुछ हो, मगर मुझे मृत्यु और माम अमृतम गमय की ओर बढ़ना है, ऐसा प्रसुद्ध जीवन व्यतीत नहीं करना है। और यदि मुझे लक्ष्मी प्राप्त होनी है तो बहुत स्वयं अन्नपूर्णेश्वर के पति हैं, ऐश्वर्यवान हैं, कुबेर उनके चरणों में बैठा रहता है। यदि हम छोटे छोटे चीजों को प्राप्त करेंगे वह तो स्वयं अपने आप के श्रेष्ठतम महादेव हैं। आप एक बार प्रयत्न करके देखें, आप देखें उस क्षण को जो कल का क्षण है, और आप स्वयं उस मां मृत्युंजय विधान को पूर्णता के साथ समावेश करें। मैं आपके साथ देखूंगा, आपके साथ पत्रिका हो, पत्र में उस 20 पेज पर जो मां मृत्युंजय विधान है आप करें। यदि कहीं गलती होगी तो जिम्मेवारी मेरी होगी, गलती हो ही नहीं सकती। और फिर अपने आप उस जगह स्थापित करें जहां मृत्यु से ऊपर उठे हुए आप हो। देह मरेगी तो देह मरेगी आपकी, शरीर नहीं मर सकता, शरीर खत्म नहीं हो सकता, कोई काट भी नहीं सकता। नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, कृष्ण ने कहा गीता में, नैनम छिन्नति शस्त्राणि, शस्त्र उसको नहीं काट सकता आपके शरीर को, नैनम दहति पावक, अग्नि उसको जला नहीं सकती। मत अपने आप में अक्षुण्य है, और अक्षुण्य होने पर ही आप सिद्धाश्रम के वासी बन सकते हैं। सिद्धाश्रम की ओर ही आपका पहला कदम है, जहां आप अपने देह को छोड़ करके शरीर की ओर गतिशील हो रहे हैं, और शरीर ही सिद्धाश्रम में जा सकता है, ये देह नहीं जा सकता। इसलिए कल मैं आपको उस मृत्युंजय विधान के साथ साथ दीक्षा देने के बाद मृत्युंजय विधान, और मृत्युंजय विधान के बाद में उस देह से शरीर की ओर पूर्णता के साथ अग्रसर होने की क्रिया, जिससे कि आप तेजी के साथ दौड़ सके, बढ़ सके। यदि मैं अपनी पत्नी और बच्चे और पोते पोते और बहुओं के साथ होते हुए भी सिद्धाश्रम में जा सकता हूं, तो फिर आप भी जा सकते हैं, जा सकते हैं। ये उदाहरण है तुम्हारे सामने, ये परिणाम तुम्हारे सामने। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिस सन्यासी को मालूम ही नहीं है कि क्या होता है ग्रस्त, वो तुम्हें जवाब नहीं दे सकता, वो तुम्हें उत्तर नहीं दे सकता। बहुत दूर से हिमालय कितनी अच्छा जगह, वो हिमालय अच्छा नहीं होता। जिस हिमालय पे आप खड़े हो, पास में खड़े हो, जिस गंगा के पास खड़े हो, वो प्यास बुझ सकती है। मैं आपके पास खड़ा हूं, आप स्नान करें, अवगान करें, उस गंगा जल को पिए, आप तृप्त होंगे, आनंदित होंगे, एहसासित होंगे। मैं आपके लिए गंगा हूं, मैं आपके लिए हिमालय हूं, मैं आपका जीवन हूं, मैं आपका प्राण हूं। इस प्रकार का कार्यक्रम करीब 11 बजे समापन होगा। दीक्षा द्वादश ज्योतिर्लिंग दीक्षा, और फिर मृत्युंजय विधान, फिर मेरा प्रवचन। प्रवचन के बाद में आपको छोड़ूंगा, प्रवचन में समझाऊंगा कि मध्याह्नकाल आपका क्या होगा, फिर सायंकाल में क्या करना है, फिर रात्रि को क्या करना है। प्रातःकाल तो आप उठ करके और स्नान करके जितना जल्दी उठ सके उठें, पर जितना जल्दी का मतलब ये नहीं कि 11 बजे उठ के आप बैठ जाए, लगभग 4 बजे के बाद या 4 बजे तक, और फिर स्नान करके आप बैठें, गुरु मंत्र जाप करें, नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और मैं निश्चित रूप से तुम्हारे पास 7:30-8 बजे आऊंगा ही आऊंगा, और आते ही दीक्षा प्रदान करूंगा। तब तक आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि शब्द बोलने से 2 गलतियां होंगी, या तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा, या शक्ति का क्षरण होगा, या तुम्हारी शक्ति बर्बाद होगी। कि शक्ति तो है ही, शब्द शक्ति है, अभिधा शक्ति है, मेधा शक्ति है, हम उसको बर्बाद नहीं करना चाहते। पूरी तपस्या के साथ उस शक्तिपात को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप नृत्य नहीं कर रहे हैं, तो गुरु आपका शक्तिपात के माध्यम से आपको नृत्य में बनाए, जीवन में बनाए। उसी प्रकार की क्रिया, उसी प्रकार की दीक्षा कल मैं आपको प्रदान करने जा रहा हूं, और उसके बाद मां मृत्युंजय विधान, और मां मृत्युंजय विधान के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इस शरीर को परिवर्तन करने की क्रिया क्या है। तब आप एहसास करेंगे कि आपकी दृष्टि बदल जाएगी, देखने की, मनुष्य को देखने की, अपने परिवार को देखने की, अपनी संपत्ति को देखने की, एक नया चिंतन, एक नया विचार, एक नई धारणा। ऐसा जीवन, ऐसा क्षण, ऐसे समय आपके साथ व्यतीत हो,
इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा हीरे की कलम से लिखी हुई तकदीर और क्या हो सकती है। मैं आपको एक बार हृदय से आशीर्वाद देता हूं। Thank you.